और हमारा उनसे हाल पूछना और उनका कहना, भरभूति जी हम ठीक बा, हाय यही तो हमारे सुबह के रंग थे। अब इन रंगों के बगैर हमारी सुबह की तस्वीर कितनी बेरंग हो जाएगी। इस तस्वीर पे तो अब फ्लाई ओवर पे दौड़ती गाड़ियों के धुएं के काले चढ़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी इस हसीन सुबह की तस्वीर पर मोटर गाड़ियों के कालक नहीं पुतने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। कौन चढ़ा रहा है आपको कालिक? है एक हसीन तस्वीर जिस पर हुक्मरान कालिक पोतने पे तुले हैं। अपनी ये तस्वीर छोड़िए और कॉलोनी की तस्वीर के बारे में सोचिए। अरे किस कॉलोनी की तस्वीर के बारे में सोचें भाई? जनाब कॉलोनी के बीचों बीच एक फ्लाईओवर गुजरने वाला है, उससे कॉलोनी की तस्वीर कितनी भद्दी लगेगी इस बारे में सोचिए। अरे तिवारी जी, हम उसी के बारे में तो सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ मामलों में तो हमारे विचार मिलते हैं। ये बताइए करना क्या होगा? करना क्या है, पतलून उतारिए और लंगोट चढ़ाइए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ओफो, सुबह सारा मूड गिरगिरा हो गया। सामने ये ब्रिज, देखिए ना ये हमारे बीच में ये कितना बड़ा पुल बना दिया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ देखिए ना तिवारी जी, सारा मूड खराब हो गया, सामने ब्रिज आ गया, अब आप दिख ही नहीं रहे मुझे। भाभी जी, मैं इस पुल को तोड़ दूंगा, इसे आग लगा दूंगा, इसमें बम फिट कर दूंगा, तो उड़ा दूंगा इसे। नहीं नहीं तिवारी जी, अब कोई फायदा नहीं है। जब आप देख ही नहीं सकते तो मेरा एक्सरसाइज करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो डांसिंग एक्सरसाइजिंग सब बंद कर दूंगी। एक्चुअली मैं तो यहाँ आना ही बंद कर दूंगी, अब आऊंगी ही नहीं मैं बालकनी में। छोड़िए, मैं जा रही हूँ। भाभी जी, हम आपके और हमारे बीच में दीवार खड़ी नहीं होने देंगे। हम गिरा देंगे दीवार। गिरा देंगे। भैया, होश में आइए, होश में। कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे हैं? मतलब हम सपना देख रहे थे पगली? हाँ, आप सपना देख रहे थे, आप कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे थे? अब अगर हमने तुम्हें बता दिया पगली कि हम सपने में भाभी जी और अपने बीच की दीवार गिरा रहे थे, तो खामखा हमारे और तुम्हारे बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। वो क्या है ना पगली, हमने सपना देखा कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको दीवार में चुनवा दिया है। हाँ, लेकिन हम थे ना, हम गए, हमने दीवार को लात मारी और अपनी अनारकली को बाहर निकाल लिया। हम मधुबाला जैसे दिख रहे थे का? हाँ पगली। हे भगवान, कितना बुरा सपना देखा। शुक्र है कि ये सपना ही था, अगर हकीकत में ऐसा हो जाता तो हमारी तो जान ही चली जाती। अरे ये तो भभूति जी की चीख है।
क्या बात भभूति जी, सब खैरियत है? अभी तो सब खैरियत से, लेकिन एक बार हमारे और भाभी जी के बीच ये फ्लाईओवर बन गया तो कुछ भी खैरियत से नहीं रहेगा। हमने कहा भभूति जी सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत से, आप कैसे हैं? सब खैरियत से है ना? हाँ, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस हम ये सोच रहे थे कि अगर कमबख्त ये ब्रिज बन गया तो आपकी बालकनी से हमारी बालकनी की तरफ जो ताजी सुंदर हवा का झोंका आता है वो कमबख्त ब्रिज से टकरा कर दम तोड़ दिया करेगा। आप सही कह रहे हैं तिवारी जी, अगर हमने ये ब्रिज बनने से नहीं रोका तो ताजी और सुंदर हवा के साथ बड़ा अत्याचार होगा। And you know, I'm a nature lover. मुझे हवस का, I mean, हवा का बहुत शौक है। I am also भाभी प्रकृति लवर। तो बचाइए ना प्रकृति को, बचाइए प्रकृति को, कुछ करिए। हमें प्रकृति को लूटने से बचाना होगा। एक काम करते हैं, कल मोहल्ले वालों की सुबह एक मीटिंग बुलाते हैं। हमें किसी भी हाल में यह ब्रिज बनने से रोकना होगा। यस, हमें इस ब्रिज को बनने से रोकना है। थैंक्स एवरीवन। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में अपनी मसरूफियात को लात मार के यहां पर आए हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कॉलोनी के बीच में से, यानी कि इस रोड से एक फ्लाईओवर निकल रहा है। मेरी बारी है। हाँ बोलिए ना, आपको फोन मना किया। दोस्तों हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस फ्लाईओवर को फ्लाईओवर ना कहकर इसे एक काला नकाब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब ये फ्लाईओवर कॉलोनी के बीचों बीच से गुजरेगा तो फिर जो धुएं का सैलाब उठेगा और उससे जो वातावरण में कालिख फैलेगी वो जानलेवा होगी। एक्चुअली वो काली कहां से आएगी आप लोगों बताऊं मैं, कि जो फ्लाईओवर पे गाड़ियां दौड़ेंगी जो उसका एमिशन निकलेगा, धुआं निकलेगा, उससे वो काली बनेगी और वो बहुत जानलेवा होगी। उससे जानलेवा बीमारियां होंगी जैसे कि अपना खांसी। भैया जे तो पहले ही खांस रहे। इससे डेंगू भी फैल सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी भैया, धुएं से मच्छर पैदा नहीं होते हैं, धुएं से मच्छर भागते हैं। यहां कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है जो इतने लॉजिक पे जा रहे हैं। अरे ये, अरे भैया किस चीज की क्लास चल रही है फिर, हैं? बेवकूफ बनाने की क्लास चल रही है? डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा। क्यों डॉक्टर साहब बताइए आप, धुएं से मच्छर पैदा होते हैं या धुएं से मच्छर भागते हैं? देखिए जहां तक मेडिकल की पढ़ाई का सवाल है तो मैं कई बार फेल हुआ हूं, लेकिन बेसिकली मैं एक तांत्रिक हूं। और जहां तक मैंने सुना और पढ़ा है कि ये मच्छर धुएं से नहीं पानी से पैदा होते हैं। ये आप लोग भी क्या मच्छर 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 लेके बैठ गए भाई, ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कोई और है। और तिवारी जी के मुंह से गलती से निकल गया, वैसे भी इतना बड़ा मुंह है इनका। भाई 100 बातों की एक बात कि हमारी कॉलोनी में से फ्लाईओवर नहीं निकलना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो भाइयों आइए मिलकर प्रण ले कि हम अपने कॉलोनी के बीचों बीच से ये फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे। अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अरे दादा काय नहीं बनने दोगे महाराज, हैं? चल भाग जाते हैं, फ्लाईओवर की बातें घुइयां समझ में आएंगी। अरे दादा पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।